हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। आई होप अब तक क्लास को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अभी मैं ताश वाली प्रायिकता के बारे में बात करूंगा, तो अभी जो क्वेश्चन लेने वाला हूं ना, यहां पे आप लोग ध्यान से देखो कि एक वर्ड आया है प्रायिकता। अभी आगे वाले जितना भी आप लोग देखोगे ना क्वेश्चन, वो प्रायिकता पे बेस्ड होगी। तो ठीक है, एक कंसेप्ट बता रहा हूं ताश का। आप लोग सभी कोई ताश देखे होंगे, है ना? ताश देखे होंगे। वैसे तो ताश खेलना बुरी बात है, पर इसके लिए तो ताश को देखना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, ताश में 52 पत्ते होते हैं। ताश में 52 पत्ते होते हैं, ध्यान से देखते रहना। ताश में क्या होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। हाँ सर, आपसे मतलब ज्यादा मालूम है हमको सर, ताश में 52 पत्ते होते हैं। क्या ऐसा ही है क्या, बताओ? ऐसा ही है क्या, ताश में 52 पत्ते होते हैं? तो मैं बेहतरीन बेहतरीन अभी चीज करने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। ताश में हम लोग के 52 पत्ते होते हैं। ये क्लियर है क्या? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो अगर ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो जो मैं बता रहा हूं 13-13 पत्तों की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से बस देखते रहना, बस ध्यान से बस देखते रहना आप लोग। ये ताश में मेरे 52 पत्ते होते हैं, ताश में मेरे 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 13 जो पत्ते हैं, 13 पत्ते होते हैं हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखे होगे तो 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, और 13 पत्ते ईंट के होते हैं, और 13 पत्ते पान के होते हैं, पान के होते हैं। ठीक है, 13 13 13 13 इसको जोड़ोगे तो आप लोग को 52 पत्ता मिलेगा, जिसमें से ये जो दो पत्ता होता है ना, ये दो पत्ते जो होते हैं किसके, हुकुम और चिड़ी टाइप के, हुकुम और चिड़ी टाइप के, तो 13 और 13 कितना होगा, 26। तो ये जो 26 पत्ते होते हैं, 26 पत्ते वो होते हैं काले रंग के, 26 पत्ते जो होते हैं वो होते हैं काले रंग के, काले रंग के हो गए मेरे पास टोटल 26 पत्ते। और ये जो पत्ता है, ये जो 26 पत्ता है 13 प्लस 13 ईंट और पान का, ये जो 26 पत्ते हैं वो होते हैं लाल रंग के, 26 पत्ते, ये जो 26 पत्ते हैं ये होते हैं लाल रंग के, लाल रंग के। ठीक है, ये लाल रंग के होते हैं, ये आप लोग ध्यान देना। 52 पत्ता है, 52 पत्ता में 13 हुकुम, 13 चिड़ी, 13 ईंट और 13 पान। ठीक है क्या, जिसमें से हुकुम और चिड़ी के 13 13 पत्ते होते हैं, 26 पत्ते काले रंग के, और 13 और ये 13 26 पत्ते होते हैं लाल रंग के। अगर इस लोग से अगर मैं लूं पत्ता, अगर मैं लेते जाऊं, तो आप लोग ध्यान से देखना, ये एक का है, ये बादशाह होता है, ये बेगम होता है, और ये गुलाम होता है, ये गुलाम है। तो एक्का के 4 पत्ते होते हैं, हुकुम से एक ले लो, चूड़ी के एक ले लो, ईट के एक ले लो, और पान से एक ले लो, तो 4 पत्ते होते हैं एक्का के। सिमिलरली 4 पत्ते बादशाह के होते हैं, सिमिलरली 4 पत्ते क्वीन के होते हैं, सिमिलरली 4 पत्ते गुलाम के होते हैं, सिमिलरली दहला के भी 4 पत्ते होते हैं, सबसे एक एक पत्ता नहला के भी होते हैं। ये आप लोग को ये ध्यान रखना है, इतना चीज आप लोग को ध्यान रखना है, इतना चीज आप लोग को ध्यान रखना है। बोलो भाई, समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? ये होता है। तो ये चीज अगर आप लोग ध्यान में रख लिए, तो अभी आएगा आपको कंसेप्ट। अब प्रायिकता की अगर मैं प्रायिकता की बात करूं तो बस ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। अगर मैं सिक्के की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, एक सिक्का की बात किया मैं, चलो अभी यहाँ पे 2 सिक्के की बात कर दूंगा, है ना, 2 सिक्के की बात कर दूंगा, बस ध्यान से देखते रहना, प्रायिकता के बारे में बता रहा हूँ। ये एक सिक्का है, इस एक सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड या तो टेल। ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 1 रुपए का सिक्का है, 2 सिक्के हैं और ये 2 रुपए के सिक्के हैं, इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सब बता चुका हूँ सर, क्यों बता रहे हो फिर? मैं अभी बता रहा हूँ ना, क्योंकि काम है मेरे को हेड और टेल। ध्यान से देखना, अगर मैं इसका एस की बात करूं तो ये होगा हेड और टेल। अगर इसके हेड सॉरी एस की बात करूं तो ये आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है ना, हेड 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 टेल कैसे आता है ये सब बता दिया गया है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होंगे, पहला वीडियो देख के आइए। तो प्रायिकता बताऊं क्या करते हैं, प्रायिकता ध्यान से देखो, अगर मैं प्रायिकता पूछ रहा हूं तो प्रायिकता का एक फॉर्मूला याद रखना। अगर मैं प्रायिकता पूछ रहा हूं, पी फॉर प्रायिकता, ठीक है, तो यहां पे बटे, ठीक है, अनुकूल अनुकूल
अनुकूल प्रतिदर्श, अनुकूल प्रतिदर्श, अनुकूल प्रतिदर्श बटे कुल प्रतिदर्श, बटे कुल प्रतिदर्श, ये याद रखना, ये याद रखना। अनुकूल प्रतिदर्श का मतलब जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए, बस ध्यान से याद रखना, बस यही फॉर्मूला याद रखना। अनुकूल प्रतिदर्श का मतलब जो हमको चाहिए, और कुल प्रतिदर्श मतलब इसमें प्रतिदर्श मतलब एस प्रतिदर्श समिष्टि ना, एस में कितने अवयव हैं, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा। अगर मैं इसमें बोला कि एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता बताओ, एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता, तो मैं किसकी प्रायिकता पूछ रहा हूँ, हेड आने की। तो क्या करना है, अनुकूल प्रतिदर्श सिर्फ इस एस में देखना है, एक हेड आने की ना, तो देखो इसमें एक हेड कितने बार आया है, सर एक हेड तो एक ही बार आया है, तो एक लिखो, बटे कुल प्रतिदर्श। कुल प्रतिदर्श मतलब इस एस में कितने अवयव हैं, एक और दो, सर दो, तो ये दो लिख दो, बस एक बटे दो इसका आंसर हो गया, प्रायिकता हो गई, हेड आने की प्रायिकता। मैं इसमें पूछा आपको, इसमें कि दो सिक्का को उछाला गया तो मेरे को बताओ एक बार हेड आने की प्रायिकता, और मेरे को बताओ दो बार हेड आने की प्रायिकता, और मुझे बताओ एक बार टेल आने की प्रायिकता। तो बोले सर ठीक है, सर एस देखेंगे, सर ये एस, सर एक बार हेड ना, तो सर एस में देखेंगे कि एक बार हेड कहां कहां कितने बार आया है, सर पहले में तो दो बार हेड आ गया है, इसको नहीं करेंगे। हाँ सर यहां पे एक बार हेड आया और यहां पे एक बार हेड आया, इसमें तो जीरो बार हेड आया, मतलब एक बार हेड कितने बार आया सर, दो दो जगह में आए हैं, तो ये दो लिख लो, बटे कुल प्रतिदर्श या प्रतिदर्श प्रतिदर्श समिष्टि में अवयवों की संख्या कितना है, एक दो तीन चार, दो बटे चार, और दो बटे चार को एक बटे दो भी लिखते हैं। अब दो हेड आने की प्रायिकता देखना है, तो सर एस में देखेंगे दो हेड कितने बार आया, सर दो हेड तो एक ही बार आया है, तो एक बटे, सर इसमें अवयवों की संख्या है इसमें एक दो तीन चार, ये लो सर एक बटे चार, हो गया प्रायिकता खत्म। एक टेल आने की, तो एस लिखना, एक टेल खोजो कहां कहां पे, इसमें तो जीरो टेल है, हाँ इसमें एक बार टेल है, हाँ इसमें एक बार टेल है, इसमें दो बार टेल है, हम लोगों को तो सिर्फ एक बार टेल पूछा है, एक बार टेल मतलब एक बार टेल यहाँ दो दो जगह दिख रहे, तो दो बटे प्रतिदर्श समिष्टि के अवयवों की संख्या या कुल प्रतिदर्श, ये चार है तो ये कट जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार, एक बटे दो है। तो ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं प्रायिकता, मैं डायरेक्ट इसमें से बताऊंगा, ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। प्रायिकता आप लोगों को समझ में आया, अनुकूल प्रतिदर्श वर्सेस कुल प्रतिदर्श बटे कुल प्रतिदर्श, तो ये ध्यान रखना आप लोग सब चीज, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर मैं ये करवा रहा हूँ जिसमें प्रायिकता के बारे में पूछा है। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, एक पत्ता निकाला गया, निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलो पहला क्या बोल रहा है इसमें, पहला क्या बोल रहा है, यहां से मैं सॉल्व करा, जिसमें से पहला क्या बोल रहा है, पत्ता ईंट का हो, पत्ता क्या हो, ईंट का हो, आप लोग पूरा ऐसे करके लिखेंगे पत्ता पत्ता, मैं अब अगले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा ना, इसी क्वेश्चन के सेकंड वाले में नहीं लिखूंगा, पत्ता आप लोग पूरा लिखेंगे, पत्ता ईंट का हो, पत्ता ईंट का हो। तो ताश के 52 पत्ते होते हैं, ईंट के कितने पत्ते होते हैं, ईंट के कितने पत्ते होते हैं सर, 13। मतलब अगर मैं इसका एस बनाऊं, इसके लिए मैं एस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, एक के चार पत्ते होते हैं, दो के चार पत्ते होते हैं, ऐसे करके डैश 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 इक्का के चार पत्ते होते हैं। भाई ताश अगर देखे होगे तो समझ में आएगा। तो पत्ता ईंट का हो, कितने पत्ते ईंट के होते हैं, कितने पत्ते ईंट के होते हैं ताश में, सर 13 पत्ते होते हैं ईंट के, 13 पत्ते होते हैं। जैसे हम लोग इसमें एस में देख रहे थे ना हेड कितना है, यहां पर देख रहे थे ना एक बार हेड कितना है, वैसे इस ताश के एस में देखो ना कितने पत्ते ईंट के हैं, इसीलिए तो पहले लिखा दिया डायरेक्ट, इस 52 पत्ता में 13 पत्ता ईंट का होता है, तो डायरेक्ट लिख दो ना 13। और कुल प्रतिदर्श क्या है, कितने पत्ते होते हैं टोटल, 52, ये 52, तो 13 एकम 13 13 चौक 52, 1/4 इसका आंसर। सेकंड, अब डायरेक्ट आप लोग पूरा लिखना ना, पत्ता इक्का नहीं है, पत्ता इक्का नहीं है, आप लोग लिखो पत्ता इक्का नहीं है, पत्ता इक्का नहीं है, उसका क्या आएगा, आप लोग यहां पे लिखेंगे पत्ता इक्का नहीं है, 52 पत्ता है उसमें से बोल रहा है इक्का नहीं है,
तो 52 पत्ते में से 4 पत्ता को हटा दो। इस 52 पत्ता में से इक्का नहीं है बोला ना, तो ये 4 पत्ता हटा दो, 4 पत्ता हटा दो, तो कितने बचे हमारे पास, कितने बचे, 52 में 4 घटा दो तो 48, और टोटल कितने हैं 52। अब इसको काट के लिखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, समझ में आया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ध्यान से समझना। अब तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, पत्ता काले रंग का है, पत्ता काले रंग का है, यहां पे आप लोग लिखोगे पूरा पत्ते काले रंग का है, इसमें से पत्ता काले रंग का कितना होता है, सर 26 पत्ता होता है काले रंग का, 26 पत्ता होता है, तो 26 पत्ता, टोटल कितना है हमारे पास पत्ता 52, 52, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, काट कुटा के। अब चौथा, पत्ता ईंट का नहीं है, पत्ता ईंट का नहीं है, चौथा पूरा लिखेंगे आप लोग, पत्ता ईंट का नहीं है, ईंट के कितने पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं, तो ईंट का नहीं है बोल दिया, तो 52 पत्ता में से वो जो 13 पत्ता है ईंट का उसको हटा दो, उसको हटा दो, तो कितना बचेगा 52 में 13 गया 39, और ये 52 तो सब में आएगा, तो ये कितने बार में जाएगा 13 एकम 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 से कटेगा। पत्ता काले रंग का नहीं है, पत्ता काले रंग का नहीं है, आप लोग पूरा लिखो, पत्ते काले रंग का नहीं है, पत्ता काले रंग का नहीं है, ये देखो दो ही कलर होते हैं, काला रंग और लाल रंग, पत्ता काले रंग का नहीं है, पत्ता काले रंग का नहीं है मतलब लाल रंग का है, और लाल रंग के पत्ते कितने हमारे पास इसमें 26, और टोटल कितने 52, तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये 1/2, ठीक है, पत्ता ईंट का नहीं है, पत्ता काले रंग का नहीं, ठीक है, पत्ता ईंट का नहीं है, हाँ, तो ये हो गया भाई, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब मैं इसको बोला, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट होने की प्रायिकता, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को अगर 2 बार मैं उछालूंगा तो सबसे पहले एस बनाओ यार, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, सबसे पहले एस बनाओ यार, क्या बोल रहा है, कम से कम 1 पट प्राप्त होने की प्रायिकता, कम से कम 1, कम से कम 1 का मतलब क्या होता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कम से कम 1 का मतलब इधर जाता है, कम से कम 1 मतलब 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, ये नहीं आएगा, कम से कम 1 का मतलब ये होता है, पट प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब टेल पूछा है, मतलब कम से कम, कम से कम, कम से कम 1, क्या बोला है, पट प्राप्त, 1 पट प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले एस में देखो यार, कम से कम 1 पट किस में प्राप्त हुआ है, इसमें तो 0 पट हुआ है, इसको हटा दो, हां इसमें 1 पट हुआ है, इसमें भी 1 पट हुआ है, और इसमें भी कम से कम 1 पट हुआ है, कम से कम 1, भले 2 हो 3 हो उससे मतलब नहीं, कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोग देख रहे होगे तो इसमें 1 बार हुआ है प्राप्त, इसमें 1 बार हुआ है और इसमें 2 बार हुआ है, तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, इसमें कम से कम 1 है, 1 तो है, इसमें भी 1 है, इसमें कम से कम 1, 1 मतलब 1 तो रहना ही चाहिए, 1 से ज्यादा हो तो चलेगा, 1 तो रहना ही चाहिए। तो ऐसे कितने हैं जो पास हुए हैं, 1, 2, 3, ये 3 बटे पूरा कितना है इस एस में, 1, 2, 3, 4, 3/4 मेरा आंसर हुआ, 3/4 मेरा आंसर हुआ, 3/4 मेरा आंसर हुआ। तो ये आप लोग का होमवर्क, ये आप लोग का होमवर्क, देखो होमवर्क मैं इसलिए देता हूं ताकि आप लोग यार थोड़ा सा हाथ पांव तो चलाओ, हाथ पांव तो चलाओ थोड़ा सा, देखो क्या है, सब बता दिया गया है, ठीक है। तो चलो अब आप लोग को एक नया इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर आप लोग को आया पी ए ई एफ कर लेते हैं, पी ई यूनियन एफ, इसका एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, ठीक है, ये पूरा वेन डायग्राम से बनता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे। और एक होता है, अगर मैं ऐसा करूं
पी ऑफ ई डैश यूनियन एफ डैश। तो इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, पी ऑफ ये ई डैश को ई कर लो, ये यूनियन है तो इसको इंटरसेक्ट कर लो, ये एफ डैश है तो इसको एफ कर लो, और ये डैश वाला पार्ट को ऐसे बाहर कर लो। ये ऐसा आप लोग लिख सकते हो। सेम आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो इसको, अगर ये ऐसा होता कि ई डैश इंटरसेक्ट एफ डैश, तो इसको कैसे लिखते आप लोग, पी ई डैश है तो ई बस लिख लो, इंटरसेक्ट है तो यूनियन लिख लो, एफ डैश है तो एफ लिख लो, डैश को बाहर फेंक दो, डैश है ना, ये वन कर दिया डैश को। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग को ऐसा आया पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ ए डैश प्रायिकता ए डैश की, तो आप लोग ऐसा करना वन माइनस पी ऑफ ए, वन माइनस पी ऑफ ए, जो पी ऑफ ए डैश है ना, तो उस पी ऑफ ए डैश को डैश हटाते हुए यहां पे लिख देना। अगर मान लो यही पी बी डैश होता तो इसको कैसे लिखते, वन माइनस पी बी डैश है ना, तो पी बी लिख दो, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये आप लोग को याद करना है। अगला क्लास में, अगला क्लास में लास्ट क्लास रहेगा अगला क्लास, और इस पे आधारित मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक ये आप लोग करो बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सी यू।